हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फ्रीज गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जिसको हम ड्रूड लॉरेंज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, एटम के सेंटर में एक पॉसिबली चार्ज्ड टाइनी कोर होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के केस में इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से, वो काफी ज्यादा होता है, तो हम इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी पॉल ड्रूड के द्वारा इन 1900, और इसी थ्योरी को फर्दर डेवलप किया था लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट ने 1909 में। इसलिए क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को हम लॉरेंज ड्रूड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और ये थ्योरी जो है कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड थी। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहां से करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। दिस थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस बाय पॉल ड्रूड इन 1900 एंड डेवलप्ड बाय लॉरेंज इन 1909 टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल्स। मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए पॉल ड्रूड ने 1900 में एक थ्योरी दी थी, और इसी थ्योरी को फर्दर डेवलप किया गया था लॉरेंज के द्वारा इन 1909, एंड इज देयरफॉर नोन एज ड्रूड लॉरेंज थ्योरी। इसलिए क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को हम ड्रूड लॉरेंज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। एंड इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस, ये कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड थी, उन अजम्पशंस को हम पॉइंट वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। पहली अजम्पशन है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर फ्री टू मूव अबाउट द होल वॉल्यूम ऑफ द मेटल लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ परफेक्ट गैस इन अ कंटेनर। देखिए स्टूडेंट्स, आपने कनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा हुआ है, कनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की ही एप्लीकेशन है हमारी ड्रूड लॉरेंज थ्योरी। कनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें क्या कहती है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी कंटेनर में, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ड्रूड एंड लॉरेंज ने हमें ये कहा कि मेटल के अंदर जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होंगे। ये हमारा कोई मेटल है जिसके अंदर पॉजिटिव आयन कोर्स हैं, जिसको हमने प्लस साइन से डिनोट किया है, और यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हमने डॉट से डिनोट किया है। ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, जैसे हमारे गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर। तो इसलिए इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये गैस मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और इसीलिए इस मॉडल को हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयरफॉर आल्सो रेफर टू एज फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, क्योंकि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ठीक उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे गैस मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर। इसलिए मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी बोल सकते हैं। एंड द थ्योरी इज अकॉर्डिंगली नेम्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, और इस क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को, ड्रूड लॉरेंज थ्योरी को, हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल के नाम से भी बुला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी पहली अजम्पशन, बाकी के अजम्पशंस हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं ड्रूड लॉरेंज थ्योरी की सेकेंड अजम्पशन क्या थी।
In the absence of electric field, the free electrons move in random directions and collide with either positive ions fixed in the lattice or with other free electrons. All the collisions are elastic in nature, that is, there is no loss of energy. जब हम मेटल पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के अंदर रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, और मूव करते समय फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप से तो टकराते ही हैं, एक दूसरे के साथ तो कोलाइड करते ही करते हैं, साथ के साथ इन पॉजिटिव आयंस से जो कि लैटिस के अंदर फिक्स्ड होते हैं उनसे भी कोलाइड करते हैं। बट ये कोलिजन जो हैं वो इलास्टिक होते हैं, मींस इन कोलिजन्स के दौरान किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस हमें देखने को नहीं मिलता। तो आइए बात करते हैं थर्ड अजम्पशन की। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द मेटल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें बाय कनेक्टिंग इट्स टू एंड्स टू अ एक्सटर्नल बैटरी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे इनके ऊपर फोर्स लगेगी क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जब भी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसके ऊपर फोर्स लगती है, और ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सबके एरो जो हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स के जो एरोज हैं वो इस तरफ आपको बनाने होंगे इस केस में। तो कहने का मतलब यह है कि सभी फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे और यहां पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा थ्रू मेटल, और करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस इज करंट आई। तो आगे बढ़ते हैं आगे। द म्यूचुअल रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस इज इग्नोर्ड सो दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल एक्सपीरियंस इज कॉन्स्टेंट जीरो पोटेंशियल। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और लाइट चार्जेस जो है वो हमेशा रिपेल करते हैं। यहां पर यह माना गया कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होंगी वो टोटली यहां पर इग्नोर की गई। इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और इन पॉजिटिव आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था उसको भी यहां पर टोटली इग्नोर किया गया था, जिसके कारण जो ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कांस्टेंट जीरो पोटेंशियल में मूव करते हैं विद इन द मेटल सो दैट दे कैन मूव फ्रीली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, बाकी अजम्पशन हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं बाकी अजम्पशंस ऑफ ड्रूड लॉरेंस थ्योरी। द फिफ्थ अजम्पशन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल ओबे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर ठीक उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे गैस मॉलिक्यूल्स करते हैं विद इन अ कंटेनर, और गैस मॉलिक्यूल जो है वो कनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ओबे करते हैं, और कनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो एक क्लासिकल थ्योरी है। तो वहां पर हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स होती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल में वो इसी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। सिक्स्थ अजम्पशन इज द कनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एट टेम्परेचर टी इज गिवन बाय। जो कनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की टी टेम्परेचर पर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी हाफ एम वी टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। एक इलेक्ट्रॉन जो है मेटल में वो एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो होती है हाफ kT। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के पास 3 degree ऑफ फ्रीडम होंगे, तो 3 degree ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो होगी हाफ kT प्लस हाफ kT प्लस हाफ kT, दैट इज 3/2 kT। तो जो एवरेज कनेटिक एनर्जी निकल के आएगी इलेक्ट्रॉन की वो 3/2 kT निकल के आएगी एट टेम्परेचर टी के। यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, VTH है यहाँ पर थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है विद इन अ मेटल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, ये थी वो 6 अजम्पशन जिस पर हमारी क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो बेस्ड है। बट यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो
फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स के अंदर, वो ठीक उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे गैस मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं विद इन अ कंटेनर। बट यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है ऑर्डिनरी गैस एंड इलेक्ट्रॉन गैस के बीच में। जो इलेक्ट्रॉन गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जबकि ऑर्डिनरी गैस के अंदर जो कि कंटेनर में होती है वो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोस्टली न्यूट्रल ही होते हैं। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन होती है कंटेनर के अंदर वो कम होती है, बट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन गैस के अंदर मीन्स मेटल के अंदर वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो ये दो डिफरेंस भी हैं इलेक्ट्रॉन गैस एंड ऑर्डिनरी गैस के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन्हीं छह अजम्पशंस के बेसिस पर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन अब हम ड्राइव करेंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज अप्लाइड टू अ मेटल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सेलरेटेड एंड गिव राइज टू इलेक्ट्रिक करंट आई इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले रैंडमली मूव कर रहे थे तो यहां पर नेट करंट जो था वो जीरो था, नेट करंट डेंसिटी जो है वो जीरो थी। बट जब आप इसी मेटल के दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे मींस इसे एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर करंट जो है वो हमें देखने को मिलेगा और वो करंट होगा आई, और आई की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी मींस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ होगी। द करंट डेंसिटी जे करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय। करंट फ्लो होने के कारण जो करंट डेंसिटी जे होगी, करंट डेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन होती है कि यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और इस करंट डेंसिटी का जो रिलेशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो इतना होता है J इज इक्वल टू माइनस एन ई वी डी। यहां पर वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव करता है तो जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव करता है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या आपने जूनियर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा है। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और माइनस ई है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, करंट जो है वो यहाँ से इस तरफ फ्लो करेगा, नेगेटिव साइन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है। तो इसी एक्सप्रेशन को कॉन्टिन्यू करेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखा था जो कि था J इक्वल टू माइनस एन ई वी डी। इसको हम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन, जहां पर N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी के साथ एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करते हैं विद इन अ मेटल अंडर द अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे, और उनका एक्सेलरेशन कितना होगा वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय रिलैक्सेशन टाइम। एक्सेलरेशन का जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां पर हम वेलोसिटी लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाइम देंगे रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो मान लीजिए ये हमारा एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होते हुए ये इलेक्ट्रॉन से दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा। जो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम डिनोट करते हैं टाऊ से, दिस इज ऑल्सो टाऊ। सो यू कैन से रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो यहां पर एक्सेलरेशन होगा VD अपॉन टाऊ, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कितनी फोर्स लगेगी वो हमें लिखनी है। द फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई मल्टीप्लाई ई। तो अब यहां पर एफ की जगह हम रख देंगे एम ए, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स होगी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से
एम ए विल बी इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई ई बाय एम, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। ये भी ए की वैल्यू है, ये भी ए की वैल्यू है, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग थ्री एंड फोर वी गेट वी डी अपॉन टाउ इज इक्वल टू माइनस ई ई बाय एम, तो यहां से वी डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई ई टाउ बाय एम, टाउ जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां पर चला जाएगा, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इस वी डी की वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे और आगे का पार्ट प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने वीडी की वैल्यू निकाली थी फिफ्थ इक्वेशन में, तो अब हम क्या करेंगे वीडी की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 5 इन 2 वी गेट जे इज इक्वल टू माइनस एन ई ब्रैकेट स्टार्ट माइनस ई ई टाउ बाय एम, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। अब स्टूडेंट्स हमें एक रिलेशन पता है, वो है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। दीज थ्री क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलेशन जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी। ये भी जे की वैल्यू है, ये भी जे की वैल्यू है, अब हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग सिक्स एंड सेवन वी गेट सिग्मा ई इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम, तो यहां से ई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिग्मा आ गया एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसे हम एट्थ इक्वेशन दे देते हैं। अब हमें ये देखना है कि कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब हमें देखना है डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑन टेम्परेचर, उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर वन का सहारा लेना होगा जो कि थी हाफ एम वी टी एच स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बाय टू के टी। यहां से वी टी एच की वैल्यू आ जाएगी टू से टू काट के रूट थ्री के टी बाय एम, ये हमारी नाइन्थ इक्वेशन होगी। अब हमें पता है रिलैक्सेशन टाइम टाउ को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर टाउ क्या था हमारे पास, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, इन दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम इंटरवल था उसे हम टाउ बोल रहे थे, और दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ डिनोटेड बाय लैम्डा। तो हमारा टाइम हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम मीन फ्री पाथ लैम्डा, ये होगा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स डिवाइडेड बाय स्पीड जो कि होगी वीटीएच। तो यहां पर वीटीएच की वैल्यू पुट कर दो नाइन्थ इक्वेशन से, तो आपको मिलेगा टाउ इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं डिवाइडेड बाय, यहां पर वीटीएच की वैल्यू पुट कर दो थ्री के टी बाय एम, तो आपको एम जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा टाउ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एम बाय थ्री के टी लैम्डा, ये हमारी टेंथ इक्वेशन होगी। इस टाउ की वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा यूजिंग 10 इन 8 वी गेट सिग्मा इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर बाय एम, यहां पर टाउ की वैल्यू पुट कर दीजिए स्क्वायर रूट एम थ्री के टी लैम्डा, ऊपर स्क्वायर रूट एम है नीचे एम है, तो यहां पर आपको मिलेगा यहां पर पावर 1 है एम की, यहां पर 1 बाय 2 है तो 1 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2 रह जाएगा, तो आपको मिलेगा सिग्मा इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर लैम्डा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थ्री के टी एम। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ड्रूड लॉरेंस थ्योरी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स और बचे हैं वो हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि वो दो पॉइंट्स कौन से हैं जो आपको इस टॉपिक में लास्ट में ऐड करने होंगे, वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो, दैट इज रो इज इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा। यहां पर सिग्मा की वैल्यू पुट कर दीजिए जो अभी अभी पिछले सेक्शन में आपने निकाली है, रो इज इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा की वैल्यू ये थी, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो रो विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री एम के टी बाय एन ई स्क्वायर लैम्डा। तो यहां से हमें पता चला कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। लास्ट में हम फाइंड करेंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करता है उसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो म्यू विल बी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर वीडी की वैल्यू पुट कर दो, वीडी की वैल्यू ये थी माइनस ई ई टाउ बाय एम, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन थी। हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो यहां से माइनस साइन हटाना होगा, सो म्यू विल बी इक्वल टू ई ई टाउ बाय एम,
डिवाइडेड बाय ई, तो ई से ई काट दीजिए तो आपके पास मोबिलिटी की वैल्यू आ गई ई टाउ बाय एम। तो एग्जाम में ड्रूड लॉरेंस थ्योरी अगर आपको पूछी जाती है या क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पूछी जाती है तो आपको यहां तक एग्जाम में करना होगा, तो आपको 100% पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।